के रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहेगा, ठीक है। चलो, कहता है कि क्रिकेटर कैच ए बॉल ऑफ 150 ग्राम इन 0.1 सेकेंड मूविंग विद स्पीड। अगर एक बॉल आ रहा है, ठीक है, एक बॉल आ रहा है, कितने स्पीड से आ रहा है, यहाँ पर एक क्रिकेटर है, ठीक है। अगर ये क्रिकेटर इस बॉल को कैच करता है, ठीक है, ये क्रिकेटर इस बॉल को कैच करता है, ठीक है, अपने हाथ में, तो 1 सेकेंड कॉन्टैक्ट रहता है। क्रिकेटर कैच ए बॉल इन 1 सेकेंड मूविंग विद 1.1 सेकेंड तक क्रिकेटर और उस क्रिकेटर के हाथ और बॉल के बीच का कॉन्टैक्ट है 1.1 सेकेंड। देन द फोर्स एक्सपीरियंस, अब देखो बॉल कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और क्रिकेटर कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, बात बराबर है, क्योंकि फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर मैग्नीट्यूड में होता है। जितना बॉल क्रिकेटर पे लगाएगा उतना क्रिकेटर बॉल पे लगाएगा, ठीक है। तो फोर्स यहाँ पे जो लगेगा, फोर्स कैसे निकालते हैं, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाई टाइम टी। तो क्या मोमेंटम चेंज हुआ, ठीक है। अब ऐसे तो हम इसको लगा नहीं सकते, क्योंकि जो चेंज इन मोमेंटम है वो चेंज, इसको इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम से भी लगा सकते हैं। तो फोर्स और मल्टीप्लाइड बाई टाइम टी, और दैट इज चेंज इन मोमेंटम, और एम फाइनल वेलोसिटी, और माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इस तरह से, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी, अब देखो यहाँ से हम निकाल सकते हो, तो हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो मास और फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा जब बॉल रुक जाएगा, तो निगेटिव साइन इग्नोर कर दो, तो मल्टीप्लाइड बाई स्पीड यू और डिवाइडेड बाई टाइम टी, ठीक है। तो मास कितना है, 1.150 ग्राम इंटू 10^-3 kg, और निगेटिव साइन फोर्स की डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है, 1.5 kg, और इनिशियल वेलोसिटी जो था 20 था, और टाइम कितने देर, कितने टाइम तक कॉन्टैक्ट में रहा, 0.1 तक, ठीक है। तो ये इसको फाइनली सॉल्व कर लो, एक जीरो ने 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे ये 1, 2, 3 जीरो ने इसे ख़त्म किया, मतलब ये आ जाएगा 15 और इधर 2, 30 न्यूटन आ जाएगा। 30 न्यूटन का ये फोर्स लगाएगा, एक दूसरे के ऊपर 30 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे ये दोनों, ठीक है। दैट इज बी ऑप्शन सही है, क्रिकेटर भी लगाएगा उतना ही और बॉल भी लगाएगा, ठीक है। चलो,